केएल राहुल बहुत गुस्से में है, साथ ही गुस्सा है भारत की जनता। इन सबका मानना है कि पर्थ टेस्ट की पहली पारी में राहुल को गलत तरीके से आउट दिया गया। ग्राउंड एम्पायर द्वारा राहुल को नॉट आउट बताया गया था, लेकिन थर्ड एम्पायर ने ये कॉल बदल दी और इसी बात से बवाल मचा है। इस डिसीजन को लेकर पूरी दुनिया से रिएक्शन आ रहे हैं। रिएक्ट करने वालों में कमेंट्री टीम में शामिल दिग्गज भी हैं। इस विकेट पर रिएक्ट करते हुए पूर्व ऑस्ट्रेलियन ओपनर मैथ्यू हेडन ने कहा, गेंद के गुजरते वक्त उनका पैड और बैट एक साथ नहीं था। स्निकोमीटर पर आई लाइंस बैट के पैड से लगने की हैं। असल में ये तब आई जब गेंद बल्ले के किनारे से जा चुकी थी। क्या स्निको ने बैट का पैड से लगने का साउंड पकड़ा? हम कयास लगा रहे हैं कि स्निको ने शायद बल्ले का बाहरी किनारा पकड़ा, लेकिन शायद ये ऐसा मामला नहीं है। हालांकि इसी मामले में पूर्व अंपायर साइमन टॉफल की अलग राय है। सेवन क्रिकेट के मुताबिक स्निको में स्पाइक जब आई जब बल्ला पैड तक नहीं पहुंचा था, जिसका अर्थ साफ है कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया था। टॉफल बोले, हमने साइड ऑन में देखा कि रियल टाइम स्निको में स्पाइक उस वक्त थी जब बल्ला पैड से दूर था, बल्ले का निचला हिस्सा पैड तक नहीं पहुंचा था। अगर रिप्ले पूरा दिखाया जाता तो शायद स्निको पर एक और स्पाइक आती जो बल्ले के पैड से टकराने से बनती। फॉक्स क्रिकेट के लिए कमेंट्री कर रहे टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने इस पर अपनी राय देते हुए कहा, मेरा शुरुआती रिएक्शन था कि क्या थर्ड अंपायर के पास इस फैसले को पलटने के लिए पर्याप्त सबूत थे? ऑनफील्ड अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया था, क्या उन्होंने सहमत होने के लिए पर्याप्त सबूत देखे? ईमानदारी से कहूं तो मैंने नहीं देखे। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर बोले, ये बहुत खराब कॉल थी। मैं सोचता हूं कि ऑनफील्ड अंपायर ने सही फैसला लिया था, संतोषजनक सबूत नहीं थे। लेकिन पूर्व ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर टॉम बूडी का मानना है कि थर्ड अंपायर के पास आउट देने के अलावा कोई और चारा नहीं था। एबीसी पर वो बोले, मैं नहीं सोचता कि उनके पास इसे आउट देने के अलावा कोई विकल्प था। राहुल 47 की टोटल पर चौथे विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने 26 रन का योगदान दिया। राहुल से पहले विराट कोहली 5, जबकि देवदत्त पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट हो चुके थे, जबकि इनके बाद ध्रुव जुरेल और वॉशिंगटन सुंदर के विकेट्स गिरे। जुरेल ने 11 और सुंदर ने 4 रन का योगदान दिया। भारत ने 73 रन तक ही 6 विकेट्स गवा दिए। इसके बाद ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच एक अहम साझेदारी हुई। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं है, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे। रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर। और जो मुन्ना भैया बचे वो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सबसे इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये ललन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कटअप जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelalantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही ललन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए ललन टॉप के सालाना उत्सव में, ललन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।